नाही हाय कर हाय कुठे 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 चढणार स्माईल स्माईल दे माऊ हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और अभी शाम के बज चुके हैं 4 माउस होकर उठी है अभी जस्ट और हम गए थे बाहर सोनार के पास क्योंकि हम कुछ लेके आए हैं वो आपको दिखाऊंगी बाद में सबसे पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने खाना नहीं खाया है और गैस ख़त्म हो गया हमारा यहाँ का सिलेंडर तो इसलिए खाना थोड़ा देर से बना और हम भी बाहर चले गए थे माऊ अभी सोकर उठी है माऊ को छोड़ के गए थे हम हाय कर माऊ यहाँ पर आने के बाद बहुत रोने लगी है बात बात पर रोने लगती है किसी के पास नहीं जाती है अभी भी ये मेरा आवाज़ सुन के रोने लगी क्योंकि अब भी जस्ट नींद से उठी है अभी दूध पिया इन्हें इसने और मेरे पास आके बैठी है ए पीलू सुनो ए माउडू और ये है हमारा आज का खाना दाल और राइस क्योंकि गैस ख़त्म है और ये कुछ फरसन है तो ये कुछ शॉपिंग माऊ की जो कि मैंने यहाँ पर की थी वो जो पार्सल है अभी आ चुके हैं तो वही मैं अभी ओपन करूँगी ये कल आया था माऊ का वाइप्स और तो सबसे पहले आया है डायपर का पैकेट जो कि मैंने यहाँ पर मंगवाया है क्योंकि वहाँ से यहाँ पर लाने में लगेज में बहुत कुछ डिफिकल्टी होती है और ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलता यहाँ पर भी मेडिकल में मिलता है लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट क्राई पर थोड़ा सस्ता मिलता है और डिस्काउंटेड मिलता है तो मैं वहाँ से लेती हूँ तो ये माऊ का पैम्पर प्रीमियम पैंट का एक पैकेट माऊ के लिए एक बॉल मैंने मंगवाया था ये फैब्रिक का बॉल है तो ये बॉल उसके बाद इसकी सेबामेड क्रीम नहीं लोशन है ये तो ये सेबामेड बेबी लोशन जो कि माऊ के लिए मैं यूज करती हूँ और यहाँ पर इसकी जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है और हिमालय की डायपर रश क्रीम एक ली है मैंने क्योंकि इसकी क्रीम यूज करती हूँ वो यहाँ पर आई थिंक मिलेगी नहीं तो इसलिए मैंने एक ले ली और ये माऊ का डव बॉडी वॉश इसका एक बेनिफिट ये है कि ये टू टू हेयर तक यूज कर सकते हैं इस ट्रैवल में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जहाँ पर भी आप जाओ तो इस तरह का ही बॉडी वॉश आप यूज़ कर सकते हैं इससे ये यूज़ करने से ना आपको शैम्पू अलग से यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो ये शैम्पू और बॉडी दोनों को चल जाता है तो मैं जब भी बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं यही प्रेफर करती हूँ और घर में होती है तो मैं उसके लिए सेबामेड या फिर सोफी रश सोप यूज़ करती हूँ तो जी हाँ ये कुछ शॉपिंग थी माऊ की जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए थी तो मैंने यहीं पर मंगवा लिया था वहाँ से आने से पहले मैंने ये ऑर्डर दे दी थी तिला खोलाय ते बारिश स्टार्ट हो गई आपको मैं हमारे कुएं और पानी दिखा दूं बहुत पास आ गए बहुत ये जो पानी है आप हाथ से भी ले सकते हैं इतना नजदीक पानी आ गया है और ये जो पाइप है हमारी मोटर की पाइप है Thank you.
अब चलते हैं, 8 बजे की फ्लाइट है मेरी। फ्लाइट है, बस है, बस 8 बजे की बस। पढ़ लो तो लेना, 8 बजे की बस है मेरी, अब मैं चलता हूँ। ये अकेली इधर रहेगी, ये तो पानी है, चल इकड़े बाहर नहीं। चलो बाय बाय बाय। देखो इसको मुंह देखो कैसा हो गया। गे चल, ए तू चल इकड़े, नको जाओ, नहीं जायचं। क्लीन बोर्ड आणि 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 पण क्लीन बोर्ड आणि वेट सालास तू। टबक तरी तेच ते जाकीट कोणाचं हाय गाइस। आज है नेक्स्ट डे, आफ्टरनून का टाइम है। कल रात में बहुत बिजी थी तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। और आज सुबह से यहाँ पर लाइट नहीं है, सो अभी दोपहर का टाइम है। शाम तक आई थिंक लाइट नहीं आएगी ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो सारे काम जो है वैसे ही पड़े हैं, मशीन नहीं लगाई है हमने क्योंकि लाइट नहीं है। और यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो हम खाना बना रहे थे इंडक्शन पर, लेकिन अभी सुबह से लाइट नहीं है तो इंडक्शन भी बंद है, तो आज हमारा कुछ खाना नहीं है। और मेरे दोनों भाई गए हैं काम पर तो वहीं पर उन्होंने खाना खा लिया, और मम्मी और मैंने स्नैक्स ही खा लिए हैं। और माऊ को दिया है हमने फ्रूट और दूध और उसका सरलेक, और उसका थर्मास जो है मैंने सुबह ही भर के रखा था तो उसका पानी का कोई इशू नहीं है, तो सरलेक वगैरह उसने खा लिया। थोड़ा सूजी का हलवा भी खा लिया था और फ्रूट्स और दूध पर है वो। और मैं वेट कर रही हूँ लाइट की, आज सुबह से कुछ नहीं किया है, ऐसे बैठी हूँ क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाइट आने के बाद शूट करूँगी ये वो, लेकिन अभी अभी पता चल रहा है कि लाइट आज आएगी नहीं शाम तक। तो मैंने सोचा कि कल का जो व्लॉग है उसे एंड कर दूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल मैंने मम्मी के लिए गोल्ड के इयररिंग्स लाए हैं, जो कि मैं मम्मी को दिवाली गिफ्ट देना चाहती थी और मैंने दिया, और उसे उसके साथ ही साथ मैंने मेरे लिए ये छोटे से इयररिंग्स बना लिए। वैसे मेरे पास बहुत है लेकिन मुझे वहाँ शॉप पर ये अच्छे लगे तो मैंने, विवेक ने कहा कि ले लो, तो इसलिए मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए। और मम्मी के लिए मतलब मेरा कुछ लेने का प्लान नहीं था, मैं सिर्फ मम्मी के लिए देखने के लिए गई थी। और तो विवेक ने कहा अच्छा है ले लो, तो इसलिए मैंने भी ले लिया। और आते हैं अभी मम्मी के इयररिंग्स के टॉपिक पर। तो ये वीडियो मैं विवेक के साथ ही एंड करना चाहती थी क्योंकि कल रात को विवेक चले गए हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि बहुत भागा दौड़ी हो रही थी उस दिन रात, कल रात, और विवेक को भी जाना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे शूट नहीं कर पाई। और थाम गो, गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, एक मिनट, ये गर्मी की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। और रात के रात नहीं, इवनिंग के समय यहाँ पर बारिश होने लग रही है 2 दिन से। सुबह के टाइम और रात के टाइम ठंड रहती है। आफ्टरनून ये पारू नको, आफ्टरनून कड़क धूप होती है और शाम के टाइम यहाँ पर बारिश आने के चांसेस होते हैं। मैं एज यूजल हमेशा की तरह खुद के कपड़े नहीं लेके आई हूँ ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर एक ही ड्रेस रखा था, वही मैंने पहन लिया है। अगर कैमरा ने मारा, जा तू आई कड़े जा, ओके। तो मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे, कुछ एक्सप्लेनेशन देना था क्योंकि मेरे जो वहाँ के रिलेटिव्स हैं मुंबई के, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मुझे कुछ क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि जो मैंने मम्मी के लिए इयररिंग्स लिए हैं वो दही पाई जाता हिला, दही नहीं खाएचो, ठंडी है ना, नहीं खाएचो, आई लगा आई तो दूध दे। माऊ यहाँ पर जब से आई है तो दिन भर वो गाय का दूध पीते हैं, और सुबह और रात में सोते वक्त वो फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो यहाँ पर वो काउ मिल्क भी लेने लगी है। तो आते हैं इयररिंग्स पर। मैंने बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन लिए है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ही फैंसी टाइप कुछ पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें मम्मी पसंद करती है। और
अंदर जो किचन में फ्रिज है वो मैंने लास्ट टाइम लिया था, आई थिंक यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट हुआ था मेरा, यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी, तो उससे मैंने ये जो फ्रिज है वो लिया था। और इस बार मैंने सोचा दिवाली पर मम्मी के लिए एयरिंग्स ले लूँ, तो जी हाँ मैंने लिया है। और एक्सप्लेनेशन इसलिए देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगेगा कि विवेक सब माइके में ही जाके भर के आता है वगैरह वगैरह, यू नो थोड़ी थिंकिंग होती है इस तरह की लोगों की, तो इसलिए ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने मेरी मम्मी के लिए लिया है वो मेरे खुद के पैसे से लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी होने के बाद लड़की का जो भी मतलब जिम्मेदारी है वो सब ससुराल वालों के साथ ही होती है, मायके वालों के साथ नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मम्मी तो मम्मी होती है शादी के बाद भी, शादी के पहले भी, तो मम्मी के लिए हम कर सकते हैं, उसके लिए किसी के मतलब ऐसे मुझे तो देखिए, मुझे विवेक ने भी खुद कहा कि तुम तुम्हारे पैसे से कुछ भी कर सकती हो, तो मेरे जो पैसे वो विवेक यूज़ नहीं करता या फिर मैं उसका क्या करती हूँ वो मुझे विवेक पूछता भी नहीं, इतने से ये नहीं कि मैं उड़ाती हूँ वगैरह, लेकिन कभी कभी खुद की मम्मी के लिए किया तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मैंटेलिटी होती है इसी, तो इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है इस पर। तो जी हाँ, मैंने मेरे पैसे से मेरे मम्मी के लिए एयरिंग्स लिया है, इसमें मैंने विवेक का एक पैसा भी नहीं लिया है। मैं चाहती थी कि ये बात मैं विवेक के साथ ही करूँ ताकि आपको विवेक के मुँह से भी ये बात सुनाई दी दे, लेकिन वो चले गए हैं, आई नो वो भी वीडियो देखेंगे, तो आई थिंक कमेंट भी कर देंगे नीचे, तो आप पिन किया हुआ कमेंट भी पढ़ सकते हैं वीडियो के नीचे। और जी हाँ, दिवाली से पहले मैंने इसलिए लिया क्योंकि विवेक जा रहे थे, तो मुझे लगा कि विवेक के साथ ही जाके लेके आना अच्छा है, तो इसलिए विवेक के साथ जाकर कल लेके आए, उसके बाद में वो चले गए, रात में वो चले गए, हम शाम में जाके लेके आए थे। डिटेल अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि विवेक जा रहे थे तो मुझे काम भी था, और आज सुबह से भी कह रही थी, सोच रही थी कि वीडियो एंड करूँ लेकिन टाइम नहीं मिला, दूसरी बात लाइट भी नहीं है, पता नहीं यहाँ पर कैसे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चालू है लाइट का, ऐसे कह रहे हैं तो इसलिए बार बार यहाँ पर लाइट जाती है, लेकिन आज सुबह से गई है अभी तक नहीं आई है। और मैंने जब यूट्यूब से फर्स्ट अर्निंग की थी तब मैंने यहाँ पर मतलब मम्मी के लिए फ्रिज लिया था, और उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन लेना चाहती थी अभी दिवाली में, लेकिन मेरे भैया ने ऑलरेडी वॉशिंग मशीन ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी के लिए कुछ लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स बनवाए हैं। तो प्लीज़ आप अभी कमेंट करके कुछ भी नेगेटिविटी वीडियो के ऊपर मत कीजिए, या फिर मुझे पता है जो हेटर्स है या जो कुछ मेरे रिलेटिव है डिसलाइक देके चले जाएंगे, उनका काम ही उतना है। और एक बात बतानी थी मुझे कि ऐसा नहीं है, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल होती है, मायका भी होता है, क्योंकि जहाँ पर वो सब बचपन से पली बड़ी होती है तो उनके प्रति भी उनका कुछ फर्ज होता है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि ससुराल जाने के बाद ससुराल ही उसका घर है, नहीं, लड़की बहुत लकी होती है, उसके दो दो घर होते हैं, ससुराल और मायका, तो मेरा भी ऐसा ही है, और मुझे खुशी मिलती है दोनों जगह पर काम करने के लिए, मतलब खुशियाँ बांटने की मुझे मौका मिलता है। और हाँ, मुझे लास्ट ईयर जब मैंने खुद के लिए इयररिंग्स बनाए थे, बड़े वाले झुमका टाइप इयररिंग्स बनाए थे लास्ट दिवाली, मैं हमेशा गोल्ड जो है वो दिवाली में ही लेती हूँ मोस्टली, ये भी रिंग मैंने दिवाली में ही की थी लास्ट दिवाली में, और तभी मैंने झुमके भी बनवाए थे, तब मुझे कमेंट आए थे कि आपने अपने सासू माँ के लिए क्या किया, तो मेरे सासू माँ के लिए मेरे मतलब विवेक ने ऑलरेडी इयररिंग्स बनवाई थी, लेकिन मैंने बताया नहीं, इट मीन्स ये नहीं होता है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। और मेरी मतलब मदर इन लॉ है, उनके पास बहुत कुछ है ऑलरेडी, और उनके लिए करने के लिए भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम मेरा जो मायका है वो इतना रिच नहीं है, मिडिल क्लास भी नहीं कर सकती मैं, कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि हम बहुत गरीब है, तो हम छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो मम्मी के लिए इयररिंग्स बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो कि मैंने कल की, और मुझे इससे बहुत खुशी मिली है,
और प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कुछ भी नेगेटिविटी मत कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको। और मम्मी ने अभी तक पहनी नहीं है, मम्मी आई थिंक वो दिवाली में पहनेगी, जब पहनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इयररिंग्स कैसे लगे। जल्दी लौटेंगी विद द न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मतलब स्कूल जाती थी, तब मैं हमेशा, मेरे पापा थे तब मैं हमेशा कहती थी कि जब मैं बड़ी होंगी, पढ़ लिख कर जॉब करूँगी, तब मैं पापा को कहती थी, पापा को मैं बाबा कहती थी, मराठी में बाबा कहते हैं, तो मैं उनको कहती थी कि मैं जब भी बड़ी होकर जॉब करूँगी तब मैं आपके लिए एक सोने की चेन बनवाऊँगी मेरे फर्स्ट सैलरी से। लेकिन मैं छोटी ही थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, और ये बात मेरे दिमाग में तब से थी कि पापा नहीं है तो क्या हुआ, अभी मम्मी के लिए मैं करूँगी कुछ तो लास्ट ईयर ही मैं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी की विश थी फ्रिज, मतलब मम्मी ने मांगा नहीं था, ऐसे बातों में कहते हैं ना, तो तब मम्मी कहती थी कि मैं पापा के पास कितनी बार मैंने फ्रिज मांगा था ये वो, तो ऐसे मेरे दिमाग में था कि मम्मी को फ्रिज चाहिए था, तो इसलिए मैंने मेरे फर्स्ट सैलरी से मम्मी को फ्रिज लेके दिया था। और उसके बाद अभी इस ईयर मैंने सोचा कि पापा के लिए मैं कुछ करना चाहती तो वही मैं मम्मी के लिए करूँगी, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए इयररिंग्स बनवाए। वैसे तो चेन बनवाना चाहती थी, लेकिन चेन मेरे भाई ने बनवाई है ऑलरेडी मम्मी को, अभी कुछ 6 महीने पहले ही बनवाई है, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स बनवाई, क्योंकि मम्मी के जो इयररिंग्स है वो पुराने हैं और वो पीछे से थोड़े टूट गए हैं, लेकिन मैंने वो बेच के कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जो इयररिंग्स है मेरे पापा ने मम्मी को दिए थे, तो एक वो पापा की याद है मम्मी के लिए, तो इसलिए मैं वो इयररिंग्स में बेचना नहीं चाहती थी। तो मम्मी को कहा है कि मैंने वो निकाल के एज इट इज़ रख दे और नए वाले पहन ले, पुरानी कुछ चीज़ें अपने लोगों की दी हुई होती है तो उसे बेचा नहीं करते, याद रहती है वो, तो इसलिए मुझे वो बेचना सही नहीं लगा। और अभी वो मुझे लास्ट टाइम ही मम्मी वो रिपेयर करने के लिए कह रही थी, कान का जो है वो रिपेयर करके लाने के लिए कह रही थी, तभी मैंने सोचा था कि नई इयररिंग्स ही मम्मी को दे देती हूँ और वो निकाल के रख देंगे रिपेयर करके, कभी मन किया तो वो भी पहन लिया या भी पहन लिया, तो इसलिए मैंने लिए, ज़्यादा बड़े नहीं लिए और मतलब सिंपल से ही लिए, क्योंकि मम्मी को सिंपल पसंद है, और बड़े इसलिए नहीं लिए क्योंकि मम्मी ज़्यादा भी बड़ा कुछ पहनना पसंद नहीं करती, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ में मैंने लिए हैं। और जी हाँ, कुछ करके बहुत खुशी होती है मम्मी के लिए। माऊ बाहर खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ।